कोचिंग दृष्टि आए थे तो यहाँ से लाइन से ही अब देखना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएंगे सर। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए है और करोल बाग में इंग्लिश मीडियम है। कॉम्बो पैक भी है जिसमें GS प्रीलिम्स मेंस प्लस रिसर्ट ये सब कुछ आएगा जो 155,000 का आ जाएगा। लेकिन अगर आती है आपको फीलिंग हो जाएगी कि आप एक IAS के अड्डे पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट कमी है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे सारी बुकें अवेलेबल हो जाएगी ताकि आपको कोई भी डिटेल UPSC रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। नीट है नहीं आप यहाँ पे नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं पे? विजन के नोट्स हो गए, हिस्ट्री के नोट्स हो गए, IAS बाबा की टेस्ट सीरीज, विजन की टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। 6,000 से यहाँ से पीछे स्टार्ट हो जाता है। रिक्शा वाले को बोलोगे ना कि हम बत्रा छोड़ देते, वो आपको एक बत्रा में छोड़ेगा, हम बत्रा ही जा रहे हैं अभी। तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं ही बढ़िया हूँ। तो हम आज के मुखर्जी नगर, जिनको पता है मुखर्जी नगर कौन जगह तो वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता मुखर्जी नगर क्या है तो यार ये IAS बनाने की फैक्ट्री है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे पीछे दृष्टि IAS है तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हम देखेंगे, शॉप देखेंगे, अच्छे से एम्बियंस देखेंगे, माहौल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो जाके आपको पता चले, आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अगर आप मुखर्जी नगर आए IAS की कोचिंग में तो डिफेंस की कोचिंग भी होती है यहाँ पे, SSC की कोचिंग होती है और UPSC की तो होती है। तो मेनली फोकस यहाँ पे किया गया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पे। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले करोल बाग, वैसे इंग्लिश के भी हैं पर यहाँ पे हिंदी मैक्सिमम है। तो मैंने ऑलरेडी करोल बाग की वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसमें करोल बाग की वीडियो दिख जाएगी। बस अब करते हैं थोड़ा माहौल को चेक कैसा है। तो चलो आओ मेरे। तो यहाँ से लाइन से ही अब देखना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट जाएंगे सारे। पहले आता है किसी आ जाए भैया पिछड़ा। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट IAS है वहाँ पे मतलब यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए है और करोल बाग में इंग्लिश मीडियम है, तो अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट IAS यहाँ की मुखर्जी नगर का डिस्ट्रिक्ट IAS बेटर है। IAS से आ गए तो देखो यार फीस स्ट्रक्चर देखो, फीस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे 130,000 एक ऑप्शनल के लिए, 50,000 फीस है ऐसे के लिए और बेसिक इंग्लिश के लिए भी ये लोग 8,000 चार्ज करते हैं। कॉम्बो पैक भी है जिसमें GS प्रीलिम्स मेंस प्लस रिसर्ट ये सब कुछ आएगा जो 155,000 का आ जाएगा वन टाइम फीस। बाकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट IAS के बारे में, तो जितना हो पॉसिबल हो मैं उतना आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कोचिंग में। चलो और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है GTB नगर, तो आप वहाँ पे जाके यहाँ से आ सकते हैं कभी। मुखर्जी नगर को मेन यहाँ पे फोकस किया गया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर, तो आप देखोगे हर जगह तो हिंदी मीडियम के कोचिंग ही ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है श्रीराम IAS का। हिस्ट्री IAS का एक और बता दूं कि आपको जब टेस्ट सीरीज देने पड़ते हो तो उसके भी चार्ज देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज के भी ऑप्शनल के 16 टेस्ट होंगे, 16,000 चार्ज करना पड़ेगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी वो 18,000 है और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी वो 10,000 रुपये होगी। अभी हमें चौराहे में देखो यहाँ से आपको फीलिंग मुखर्जी नगर आती है आपको फीलिंग हो जाएगी कि आप एक IAS के अड्डे में आ चुके हैं मुखर्जी नगर। अभी तो थोड़ा धूप है तो लोग कम निकल रहे हैं, पर शाम के टाइम तो ऐसी भीड़ हो जाएगी, ऐसे स्टूडेंट देंगे कोई एस्पिरेंट को पकड़ते हैं उसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि उस वहाँ का कैसा माहौल रहता है यहाँ पे। तो अभी सामने देखो यहाँ से बुक स्टॉल सारे स्टार्ट हो जाते हैं अंदर तक और यहाँ पे आपको GS की और सारी नई नई बुक्स मिल जाएगी, सेकेंड हैंड बुक, NCERT की बुक्स या योजना मैगजीन्स होगी, जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ब्रो देखो ज्योग्राफी के लिए आलोक रंजन इंग्लिश मीडियम और DLS इंग्लिश, करियर प्लस, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखो और अलग अलग जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और नीचे ठेका को इग्नोर करेंगे, अंग्रेजी शराब को, और अजब अकेडमी, भारत कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सारे यहाँ पे होंगे इस अंदर में। तो यार अगर तुम मुखर्जी नगर आते हो तो देखो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी है ही नहीं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी होंगी उनकी, पर आपको एक ही चुननी है क्योंकि आपको तो एक ही जगह कर रहा है ना। तो सोच समझ के सबकी डेमो क्लास लेके ही, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बता रखा आपने कि डेमो क्लास लेके ही आपको सिलेक्शन करना है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो दृष्टि हो, आपने बहुत सुना हो दृष्टि का नाम, पर उससे जाओ उसे पहले डेमो क्लास लो तब जाके डिसाइड करो, क्योंकि दृष्टि आपको समझ में आती नहीं आती या वेदांता समझ में आता नहीं आता या कोई भी बायजू कहाँ भी जहाँ भी जाओ, पर आपको डेमो क्लास लेके ही जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते थोड़ा और मेरे पीछे बुक स्टॉल है बहुत सारे, यहाँ पे आपको GS की मेंस की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको नोट्स चाहिए या क्वारी चाहिए, योजना चाहिए, ये सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी पीछे। यार बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, खासकर लोग दूर से जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे बैठे जॉब के साथ, तो यहाँ पे आते हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ पे सारी बुक्स लेके जाते हैं एक साथ।
तो अभी बुक्स की नीड है आपको, कोई भी बुक्स कहीं नहीं मिल रही होगी आइसोलेटेड, तो यहाँ मिल जाएगी आपको। अभी हमें गंगा जी बुक शॉप पे, जो देखो यहाँ पे सारी बुकें अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आपको कोई भी डिटेल यूपीएससी रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। और हमारे पास कुछ मित्र हैं यहाँ पे जो कि लोकली यहाँ के साथ ना, कहाँ से आप? समयपुर बादली से आए। नाम क्या आपका? अमन। अमन, तो आप कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ नीट के लिए आए हैं। नीट के लिए? प्रिपरेशन नीट के है कुछ यहाँ पे? यहाँ नहीं है, नीट के है नहीं यहाँ, मुकुल नगर में यहाँ पे नहीं है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो? अच्छा, बुक लेने आए? बुक्स लेने आए? सही, बढ़िया। तो नीट का कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है यार, ऐसे कर लो यार। नहीं है तो क्या करोगे, तो कहाँ जाओगे? पहले नीट तो निकाल ले। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके दोस्त है, क्या नाम आपका? सुमित नाम है। तो आप कोई भी पेशा नहीं कर रहे? नीट की कर रहे आप? अच्छा, बुक लेने आया हूँ। तो देखो दूर दूर से लोग आते हैं, समयपुर बादली से भी लोग आ रखे हैं बुक लेने यहाँ पे। तो बुक्स तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है किसी भी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए। देखिए सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाती हैं, इवन हिंदी में, सारी हिंदी में। जैसे हिंदी में नोट्स बहुत कम होते हैं वैसे हर जगह में, पर यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड बुक भी देते भैया? ऐसे सारी न्यू एनसीईआरटी सब न्यू? तो नहीं नहीं ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी, ओल्ड नोट्स वाला 2004 से पहले। तो सारी बुक मिल जाती है आपके वहाँ? ये नोट्स हो गए, डिस्ट्री के नोट्स हो गए जी, आईएस बाबा की टेस्ट सीरीज, विजन की टेस्ट सीरीज, डिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, विजन के करंट अफेयर, पीटी 365 जो आ रही हैं सारी, वो सब मिल जाएंगे आपको। ऑप्शनल के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के, सोशोलॉजी के, हिंदी के, सब अवेलेबल है। एम्बियंस सर, आपको प्रॉपर एम्बियंस चाहिए पढ़ने का, तो लाइब्रेरी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, और अच्छी लाइब्रेरी भी होगी। तो ज़्यादा चार्ज नहीं होता लाइब्रेरी का भी, तो आप नॉर्मल भी चार्ज देके यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप मुखर्जी नगर रहते हो तो खासकर। तो लाइब्रेरी भी प्रोवाइड हो जाती है, लाइब्रेरी रहने भी बढ़िया है। तो चलो अब हम मेन जगह जा रहे हैं जहाँ पे लैंडमार्क बोला जाता है मुखर्जी नगर का, बत्रा। बत्रा सिनेमा हॉल पीछे ही है। तो अगर आप किसी रिक्शा वाले को बोलोगे ना कि हम बत्रा छोड़ देते, वो आपको यहीं बत्रा में छोड़ेगा। हम बत्रा ही जा रहे हैं अभी, तो मेन लैंडमार्क ठीक है यहाँ पे। कभी यहाँ पहुँचने के लिए आपको बत्रा बोलना है, पर यहाँ पे कैसे पहुँचना है? जीटीबी मेट्रो स्टेशन। ये भी बहुत यूज़फुल आता है भाई, स्टडी टेबल ले लेना एक। तो बीमार पड़ जाओ तो देखो बत्रा के सामने ही मेडिकल स्टोर भी है। अगर आप बत्रा हाँ पढ़ते थोड़ा सर दर्द हो तो देखो मेडिकल, तो आप बत्रा में थोड़ा अदर करते हैं। अरे पर इस लाइन में चलते हैं, इधर भाई कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है यार, लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे हर जगह। देख रहे हो, वो देखो सोलो रैंक अर्थ जैन, बतेरे कोचिंग है भाई यहाँ पर। ये होता है कि आईएएस के प्रिपरेशन के लिए बोला जाता है कि 10th क्लास तक की एनसीईआरटी काफी इम्पोर्टेंस रखती है। 12th तक एनसीईआरटी चार्ट लो भाई, अगर तुम पहले कोचिंग से बताओ एनसीईआरटी चार्ट लो फुल और बेसिक, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और कौन सी बुक है भाई? कोई बुक है कैसी की? हाँ ये लक्ष्मीकांत का चार्ट ही लेना है, स्पेक्ट्रम के बाद ही सोचना कोचिंग करने का। मॉडर्न और योजना मैगजीन, वीकली मैगजीन भी पढ़ते रहना टाइम टाइम, और खासकर न्यूज़ पेपर पढ़ते रहना। जैसे बड़े बड़े कह गए हैं न्यूज़ पेपर बहुत ज़रूरी है, तो न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं आप, न्यूज़ पेपर ज़रूरी है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो चार्ट देना है। तो देखो यार यहाँ पे कैफेज है, एक कैफे चाय और कैफे, चाय कैफे। देखो पीछे मेरे चाय कैफे, क्या आप देख पा रहे हैं चाय कैफे को? अगर आपको बीच में सुट्टा दिख रहा है ना तो फ्यूचर ख़राब है आपका। देखो वो जो वाली लेन थी बत्रा के सामने वाली लेन, वो सारी बुक्स की लेन थी, और यहाँ की लेन जो भी पूरी सारी लेन है ये है, थोड़े कैफेज ले, यहाँ पे कैफेज है बहुत सारे। मेरा बत्रा पहले बत्रा सिनेमा हॉल था, ये अभी भी सिनेमा हॉल है या क्या है? यहाँ पे शायद क्लासेस चलती है, हाँ अब बिल्डिंग बन गई है, क्लासेस में चलती है। पहले हॉल था, सिनेमा हॉल था, यहाँ पे थिएटर था शायद। पर जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी मुझे, ऐसा बोलते हैं वैसे आ नहीं रही थी, फिर बता देता हूँ। जैसे नेवी डिफेंस के ऊपर जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एनडीए सारे, तो बोलते हैं कि नहीं मिलते हैं उनको ज़्यादा अच्छे अच्छे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो बहुत सारे यहाँ पे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएसबी इंटरव्यू, सीएपीएस, सीडीएस, एमएनएस, आर्मी, सबके यहाँ पे आपको तैयारी कराता है यार। इसका नाम क्या है? कैडेट अकेडमी आप आ सकते हो, मतलब अगर पीछे है कैडेट अकेडमी तो वहाँ पे आप क्वारी कर सकते हैं। एक बार कैडेट अकेडमी से भी होके आते हैं, देखते हैं फॉर्म ये देंगे नहीं देंगे। अभी हम सब जाएंगे, सब जगह जाके थोड़े सबसे ये ऑन यूट्यूब
आपने देखा अनु सेठ को? मैंने इसको देखा है, ये फेमस भी अनु सेठ बहुत ज़्यादा, इनकी यूट्यूब में देख सकते हो आप। हमने सबका ये ले लिया है, हमने पेपर्स जो भी होते हैं, फिर हम लास्ट में कंपेयर करेंगे फीस की और फिर आपको बताएंगे कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो लास्ट तक बने रहना, बने रहोगे ना, चले तो नहीं गए। तो डिफेंस के लिए एक और है, देखो सिग्मा क्लासेस है जो एनडीए के वो कराते हैं, जिसमें देखो अनु सेठ सर पढ़ाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं, वो अच्छे टीचर हैं। और अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो सामने बीपीएससी बोलो, बीपीएससी अकेडमी, तो स्टेट पीसीएस की तैयारी फुल हो जाती है आपके यहाँ। हमेशा आजकल अट्रैक्ट किया जाता है फैकल्टी के ऊपर कि टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, कि यूट्यूब में कुछ लोग टीचर्स फेमस हो जाते हैं ना, तो वैसे ही मतलब कुछ ऐसे ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत टीचर्स को, जब आप लाइव पढ़ने आओगे ना उनसे, तो आप बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिनको आपने यूट्यूब में देखा होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपनापन सा लगता है उनसे, और अच्छे अच्छे टीचर्स भी होते हैं। तो यहाँ भी आओगे एनडीए की कोई कोचिंग भी कर रहे हो तो डेमो क्लास पहले लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि लेने लायक है, योग्य है या नहीं है। तो बस चलते हैं बाकी, अभी हम लास्ट हमारा बच गया, हमें मैक्सिमम कवर कर लिया है पूरा मुखर्जी नगर को, बस एक चीज़ बची है पीजी देख लेते हैं, पीजी का एरिया कहाँ का है, फिर हम लास्ट में वीडियो के एंड में कंपैरिजन करेंगे पूरा इसका। तो चलो, तो गाइस हम आ गए बत्रा के राइट हैंड साइड में, तो अभी हम यहाँ पे निकलेंगे अंदर गली नंबर 3 में, और यहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं, तो हम वही थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पीजी को, देखते कैसे पीजीज यहाँ पे मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो किसी चीज़ को सुधारने के लिए उसको बिगाड़ना ज़रूरी है, तभी सुधार लाया जा सकता है। यार तुम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, लोकेलिटी का पता चल जाएगा यहाँ से, सामने पार्क भी है, काफ़ी अच्छा पार्क है, तो ये लोकेलिटी थोड़ी शांति है यहाँ पे, आगे डेड एंड मिल जाएगा आपको। तो देखो गली नंबर 3 में बहुत सारे पीजीज हैं, और ये देखो यहाँ से एक लाइन जाती है, एक वहाँ से लाइन जाती है, एक यहाँ से वहाँ लाइन जाती है, एक सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे पीजीज के बतेड़े पीजीज है। तो टिफ़िन सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छे प्राइसेस का आपको मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। धोबी ये बहुत ज़रूरी है, आप पीजी जब लेते हैं तो अगल बगल में धोबी होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ है आयरन के पर दोनों ना यार, फालतू का चार्ज है, टाइम वेस्ट है। अरे है महंगी पीजी, कम से कम 15,000 तो उसका होगा मिनिमम। जनरली गाइस ऐसा होता है पीजी के रेट काफ़ी कम रखे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो। तो अभी हमने किसी का रेट पूछा नहीं है, तो हमें कंफर्म नहीं है, हम बस अजम्पशंस लगा रहे हैं। इसके अलावा हम अभी जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमें 928 नंबर कुछ सस्ता नहीं है यहाँ पे। हाँ, 7 से 10 हज़ार तो सबसे मिनिमम है, मान लो 7 से 10 हज़ार पर महीना मिनिमम, सिर्फ रूम का, उसका इलेक्ट्रिसिटी वो सब इधर का उधर का खाना पीना सबका लगा के 15,000 आ जाता है। इलाका आप देख सकते हो काफ़ी शांत है, और जगह जगह यहाँ पे पार्क हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी देख समझ के रखा गया स्टूडेंट के हिसाब से। यहाँ पे हर गली नुक्कड़ में होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो। तो पता है दिल्ली में अगर मैं कोई सजेशन मांगे तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो पीजी वाले ना अपना बोर्ड लगा के रखे ताकि स्टूडेंट का जो ब्रोकर में कॉस्ट जाता है ना वो खत्म हो। जो ये मास्टर रूम लग रहा है ठीक है, ये बेसिकली मैंने सुना था बॉयज़ पीजी है। सुधीर जी से बात हुई थी मेरी, मैं बात करता हूँ अंदर जाके। ये बॉयज़ पीजी है भैया, बॉयज़ पीजी है, सुधीर से बात हुई थी मेरी, 928 बताया था, 928 ठीक है ना, ठीक है मैं तुमने कॉल करके दोबारा पूछ लेना। ओके 928 ही बोला था ना, अभी अभी मुझे कुछ ज्ञान दिया है, इन्होंने बताया चिड़िया जब चहचहाती है तो यानी चिड़िया, हाँ जब चहचहाती करती है तो आसपास नेवला बिल्ली चूहा सांप हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा करी है, तो कैमरामैन आप चले जाइए यहाँ से।
यहाँ हर जगह छोटे छोटे पार्क बन रखे हैं, जिसको आपके मॉर्निंग वॉक करना हो, अपना थोड़ा हेल्दी हेल्दी डाइट अपना जीवन जीना है, तो उसके लिए पार्क अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा, वैसे हमारा एक ब्लेंडर हो गया है, हम किसी एक बंदे से, एक दुकान वाले से पूछ के आते कौन सा पीजी है, तो हम सोचते उस पीजी को आपको दिखा दे, पर वो उस पीजी को हमारा नंबर ही भूल गए हैं, तो सॉरी हम पीजी नहीं दिखा पाएंगे, पर हमने आपको एरिया दिखा दिया है। और आपके ऐसा मुझे लगता नहीं यहाँ पे टू लेट कहीं लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे घर जाके तो नहीं मिलेगा, या कहीं पीजी में जाके तो ऐसे नहीं आता है आप पर। अगर आपको थोड़ा सस्ता ब्रोकरेज से थोड़ा सस्ता चाहिए ना, तो आप किसी भी आसपास की मार्केट में दुकान होती है ना, जैसे कोई भी होगी, कोई छोटी छोटी शॉप्स वहाँ पर पूछ लो कि पीजी वीजी अवेलेबल है, तो उनको जान पहचान में होता है, वो थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और आपको पीजी दिलवा देंगे। अच्छा, तो ब्रोकरेज से अच्छा तो वो आइडिया बेटर है मुझे लगता है। कौन सा? एक किसी भी दुकान से इंक्वायरी कर लो, वो आप तुम्हें सही से दिला देता है। वो भी वही होता है, पर वो अच्छे ही दिलवाते हैं, वो भी ब्रोकर ही होता है, कम होता है, कम लेते हैं। तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपस में बहस करने लगे हैं लोग, धूप चढ़ गई है इनके दिमाग पे। यार किसी पीजी में तो हम जा नहीं पाए, पर हमने कुछ प्रॉपर्टी डीलर और हमने कुछ भैया से धोबी वाले भैया से बात की अभी, तो उन्होंने बताया कि 6000 से यहाँ से पीजी स्टार्ट हो जाता है एक रेंज के हिसाब से। और क्या बताया था? 6000 से पीजी स्टार्ट है, उसमें इंक्लूडेड होगा 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड है, आड़ू इंक्लूडेड है, अभी तक तो यही बताया उन्होंने। और बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने तक का लेना है तुम्हें और पैसे डाल के तुम ले सकते हो, मेरे को जहाँ तक लगता है नहीं उसके हिसाब से, हाँ मेरे को जहाँ तक लगता है वही वाला सीन होगा, जैसे तुम अगर वॉशिंग मशीन इंक्लूडेड होगा या एसी वेसी इंक्लूड कराओगे तो तुम्हारा प्राइस इंक्रीज होगा। और बाकी ऐसे देखे तो करोल बाग से बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा, और सत्य निकेतन निकेतन जो जो पीजी के लिए फेमस है ना वहाँ से, तो ये बहुत सस्ता है, हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कितना सस्ता होगा। गली नंबर 3 में आ जाना और आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर भी यहाँ पे है, तो देख लो। और जो एरिया वाला भी कोई, और जो एरिया अभी हम घूम रहे थे ना, वो एरिया है थोड़ा कॉस्टली एज कम्पेयर टू यहाँ के, इसके पीछे और एरिया है जहाँ पे और भी पीजी सस्ते हैं, कुछ लड़कों ने बताया था। आगे जाते हैं, अंदर जाके। तो ठीक है, बस पीजी का इतना हो गया, फिर हम चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे, मतलब आखिरी वीडियो का एंड करते हैं और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फीस स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करते हैं। तो चलो वहाँ बैठते हैं, पार्क में आ गया, धूप बहुत है, थोड़ा अच्छी तरह बैठेंगे ना, आओ। तो यार अब बात करते हैं फीस की, कि कितना फीस लगेगा पूरे प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जितना भी है, तो बात करते हैं देखो। और हाँ, इसमें मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा, जीएस का बता दूंगा मेन और जो मुझे देखेगा कि बताने जैसा है, और बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा सबके, तो आप उसको अच्छी तरह चेकआउट कर सकते हैं। अब बाकी देखो बात करते हैं दृष्टि आईएएस की, तो दृष्टि आईएएस की जनरल स्टडीज फाउंडेशन प्रीलिम्स 31 है इसका, सी सेट और ऑप्शन अलग अलग होगा, आप देख सकते हैं लैंग्वेज कोर्स ऐसे अलग अलग कराते हैं लोग, और कॉम्बो पैक भी है इनका, कॉम्बो पैक इनका लगता है 155 का, तो ये हो गया। और बाकी हम बात करें संस्कृति आईएएस, तो ये इसका टोटल 2 लाख के अराउंड होगा पूरा खर्चा, तो 1.95 खर्चा है इसका पूरा पर, ये थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, पर आप इसकी डेमो क्लास देख सकते हैं कितने क्या क्या होगा इसका अलग अलग से भी। और वेदांता का देखें अगर हम, तो वेदांता का भी उतना ही है, 1.7 तीन साल का कोर्स मिलता है, और इसका एक साल का कोर्स की फीस है 1.41 इतना ही आपको लग जाएगा। इसमें जीएस कराते हैं, सी सेट कराते हैं, ऐसे कराते हैं, लैंग्वेज कराते हैं इस रैंक में, और शायद ऑप्शनल नहीं है इसमें, तो ऑप्शनल का भी आजकल अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो ऑप्शनल का भी खर्चा अलग अलग से आ जाता है। तो और टीचर के हिसाब से आजकल क्या चलता है कि ये लोग कॉम्बो वोम्बो पैकेज आजकल देते हैं कि एक साल में या 2 साल या 3 साल, पर आपको देख लो अपने हिसाब से कितने साल आपको ज़रूरत है उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि 3 साल लेके बैठ जाओ फिर ऐसा करते, ज़रूरत नहीं है आपको, कम से कम जितना आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 साल का आपको लेना चाहिए, कोई भी कोर्स लेना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो, पर कॉलेज पार हो गए तो 1 साल का भी काफ़ी है, पढ़ाई करो जितना कर सकते हो। तो वेदांता का हो गया है, और अब बात करते हैं समुद्र आईएएस, ये एक नया, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ समुद्र आईएएस के बारे में, तो इसका भी 190 का ही आसपास है, सी सेट पर ऑप्शन मिला के ये ऑप्शन मिला के देते हैं। और धैर्य आईएएस का अगर हम करें तो इसका पड़ता है 130 के हिसाब से, ये भी 130 के ऑप्शन देखो, जिसका मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी का 190 एक जा रहा है ना, तो वो ऑप्शनल के साथ इंक्लूडेड है, पर जिसका मैं 120 या 130 के हिसाब से बता रहा हूँ तो वो ऑप्शनल के बिना है, सी सेट और ऑप्शन के बिना है, ठीक है ठीक है। और श्रीराम आईएएस का बताते हैं, तो श्रीराम आईएएस भी 135 के हिसाब से कंप्लीट कोर्स करा देता है। और लास्ट में बचा है हमारा विजन आईएएस, तो विजन आईएएस का भी ऑफलाइन बनता है 140 और ऑनलाइन बनता है 110। तो मेन बेसिकली सबका अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो 110, 150 और उसका देख लिया तो 190 का भी है, तो आप खुद ही आके देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आपका दृष्टि आईएएस मुझे लग रहा है बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो प्रॉपर हिंदी में ही फोकस करता है, लैंग्वेज के हिसाब से सब कुछ के हिसाब से, तो आप दृष्टि आईएएस में जा सकते हैं, ताकि वेदांता है, विजन आईएएस भी है जो आपने सुने ऑलरेडी हैं, और कुछ नए नए इंस्टीट्यूट है, एक बार आप खुद जाके डेमो क्लास लो, ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि कौन सा आपके लिए कोचिंग बेस्ट है, कौन सी फैकल्टी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एरिया आपके लिए बेस्ट है, और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। ये इसका हो गया, हम बात करते हैं एक CDS और जो NDA की तैयारी कर रहा है, तो देख KD कैंपस में एक पायोनियर एकेडमी है, तो देखो पायोनियर एकेडमी में भी अगर आप जाओगे तो
ओवरऑल इसका 24 से 25 हज़ार के आसपास ही लग जाता है पूरा। अगर आप फीस एक साथ देते हो तो 22,000 लगेगा, पर थोड़ा अगर उसमें देते हो ईएमआई पे तो आपका लगता है 24 के आसपास, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है खर्चा इसका। और अगर आप केडी कैंपस में जाते हो तो केडी कैंपस में 3 सब्जेक्ट के हिसाब से एक सब्जेक्ट का लगता है 10,000 रुपये, और 3 सब्जेक्ट है तो 30,000 रुपये लगेगा, और एक साथ वन टाइम पेमेंट करते हो तो 31, और अगर ई एम आई पर 34 या 32 के आसपास जाता है। तो 30 से 35 हज़ार के बीच में केडी कैंपस लेता है, और ये लेता है 20,000 के मतलब 25,000 के आसपास। मुझे इसमें अगर आप एनडीए कर रहे हो तो केडी कैंपस बढ़िया है, केडी कैंपस बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। तो एनडीए की तैयारी देखो, एसएससी, बैंक, पीओ, दिल्ली पुलिस, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, एयरफोर्स जो डिफेंस के लिए भी कराते हैं, सिविल सर्विसेज, नीट का भी कराते हैं, जेईई का भी कराते हैं, एसएससी का भी कराते हैं, और एई का भी कराते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम ये कवर कर लेते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, तुम लाइक तो करते ही नहीं हो, तुम सब्सक्राइब भी नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव हो ना तो कमेंट करो, और थोड़ी क्वेरी हो तो कमेंट करो, मैं हूँ उसके लिए। कुछ भी कमेंट वमेंट कर जितना मुझे हो सके पॉसिबल हो, और मुझे पता मुझे आइडिया हो उस चीज़ का तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए पसंद होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपना का ख्याल रखना, और बाय। तो गाइस ये रहा जीटीबी नगर का मेट्रो स्टेशन, और ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मुखर्जी नगर का। यहाँ से आप 10 रुपये की अपना ई रिक्शा लेके पहुँच सकते हैं मुखर्जी नगर, और वहाँ पे इनको बोल देना बत्रा बत्रा के बाद छोड़ देंगे आपको, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा।